हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विद टॉगर। देखिए, मेरा सोफ़ा पहले ऐसा दिख रहा था, तो इसका आज मैं कवर करके दिखाने वाली हूँ। मेरे वीडियो को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो कोई भी मेरे वीडियो को नया देख रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये इसके लिए मैं ये जो अच्छा वाला थोड़ा है, ये पर्दे का कपड़ा है, और नीचे के लिए भी पर्दे का कपड़ा ही ली हूँ। ये है लॉन्ग ड्रेस का कपड़ा है ये, और ये देखिए पहले इसको बिछा लेंगे। लेके दो टाइप से हम लोग जो कुशन का कवर है, जो सीटिंग कुशन है, ये उसका कवर है, इसका नाप ले सकते हैं। पहले देखिए, इसका एक तो जो कुशन को पहले निकाल लेंगे, निकाल के इसको एक इस साइड से एक साइड से इसका जो बीच में जो जहाँ हिस्सा है, देखिए इसका बीच में से लेंगे, लेके उस साइड में भी बीच में से लेंगे, लेके जितना उसका नाप होगा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये एक टाइप का नाप हो गया। और आपके पास ऑलरेडी अगर कवर है तो इसके लिए कवर को आप बिछा के उस हिसाब से भी नाप लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच का एक्स्ट्रा लेंगे। जितना आपका कवर का नाप है उससे हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। देखिए, ये कवर बना रही हूँ तो इसके लिए जो साइड में इसका जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। फिर कट करके इंच टेप की मदद से आपको जितना कट करना है उस हिसाब से आप जैसे नाप लगा लेंगे, जो कुशन जो सिर्फ कवर है उसके हाफ इंच ज़्यादा करके उसको निशान लगा लेंगे, लगा के इसको कट कर लेंगे। देखिए, वो कट कर लियो। अभी उसका नीचे के लिए, ये थोड़ा अच्छा वाला कपड़ा है तो उसके नीचे के लिए मैं थोड़ा सा कम प्राइस वाला कपड़ा ली हूँ। देखिए, ये जितना है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर का कवर जितना है उससे एक इंच एक्स्ट्रा नीचे का कपड़ा जो है उसका लेंगे, क्योंकि नीचे में उसको बीच में काट के उसको दोनों तरफ मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर फिर उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए। देखिए, मैं कट कर ली हूँ। अभी इधर से लगभग ये 5 इंच का है। देखिए, इसमें जैसे ये ऊपर का एक पट्टी आएगा, नीचे का एक पट्टी है, सेम इधर भी करेंगे तो इसी हिसाब से थोड़ा सा एक तरफ कम रखेंगे। अगर बीच में से करेंगे तो बाद में जो कुशन है उसको अंदर करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ 5 इंच रख के ऐसे कट कर दी हूँ। रख के ऐसे मोड़ेंगे, दोनों तरफ ही मोड़ना पड़ेगा ऐसे करके। देखिए, मोड़ रही हूँ, इधर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा ये। देखिए, दोनों तरफ ऐसे इसको मोड़ ली हूँ। लेके अभी जो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए पहले ऊपर के तरफ ऐसे एक साइड से शुरू करेंगे, पहले जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको पहले इसको जोड़ेंगे, पहले ऊपर के तरफ छोटा वाला टुकड़ा को जोड़ देंगे। ऐसे करेंगे तो एक साइड में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग कट करके, ये जो खींचने ऊपर का जो छोटा टुकड़ा बन अभी अटैच कर रही हूँ, ये अगर थोड़ा सा अगर खींचने के टाइम में थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो उसको हम लोग काट के एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए एक साइड से शुरू करेंगे। देखिए, ऊपर की तरफ पहले जोड़ दी हूँ, फिर साइड से इसको जोड़ना शुरू कर रही हूँ। देखिए, अभी ये जो छोटा टुकड़ा और एक जो बड़ा टुकड़ा काट के रखी थी, देखिए एक के ऊपर एक रखूँगी, रख के देखिए इसको ऐसे करके सिलाई कर दूंगी, दो तीन बार इधर चला दूंगी, बाद में ये खुल ना जाए इसीलिए, फिर इसको पूरे चारों तरफ को ऐसे सिलाई कर दूंगी। देखिए, अभी उस साइड से भी
एक साइड से की हो, अभी उस साइड से भी सेम। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, वो थोड़ा लंबा कपड़ा खींच गया था तो उसको कट कर दियो। देखे इस साइड भी सेम ऐसे ही उसको सिलाई करेंगे। जैसे इस साइड में भी इसके ऊपर रखे था कपड़ा, नीचे वाला कपड़ा, तो उस साइड में भी उसके ऊपर ही रखेंगे। रख के इधर भी दो तीन बार सिलाई चला देंगे, चला के सिलाई कर देंगे। ये जो लॉन्ग ट्रस वाला कपड़ा है, ये थोड़ा इधर उधर करने से थोड़ा लंबा हो जाता है, खींचता है ज़्यादा, तो इसीलिए एक साइड से करें। देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है इधर, तो इसको क्या करेंगे, पहले सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके उसको एक्स्ट्रा को काट के निकाल देंगे इससे। देखिए ये हो गया, तो इसको भी कट कर देंगे। देखिए अभी इसको सीधा कर लियो। सीधा करके इसका जो कोना है, इसको अच्छे से किसी स्क्रू ड्राइवर के मदद से या कैंची के मदद से अच्छे से इसको निकाल लेंगे। अभी इसको दोनों को अंदर के तरफ सिलने बांधने के लिए पीछे, तो एक पट्टी टाइप का बना रही हूँ, पट्टी से उसका बांधने के लिए डोरी बनाऊँगी। देखिए इसको बीच में से कट कर देंगे। अभी जो कवर बनाई हूँ उसमें पहले दोनों को ऐसे रख के बीच में थोड़ा सा उसका दोनों तरफ लगाएंगे, दो लगाएंगे ऐसे करके। पहले चौक की मदद से निशान लगा लेंगे, निशान लगा के दोनों तरफ ऐसे करके उसको अटैच कर लेंगे। देखिए ऐसे इसको अंदर के तरफ जोड़ेंगे, जोड़ के इसमें चार पाँच बार सिलाई चला देंगे, तो एकदम ये और खुलेगा नहीं कभी भी। मेरे वीडियो को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कोई भी मेरे वीडियो को नया देख रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसा आपको नया नया आइडिया आपको मिलता रहेगा। और आपको क्या सीखना है या नहीं सीखना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी। देखिए अभी इसको उल्टा कर लियो, तो सीधे के तरफ में इसको एक पाइपिंग जैसा बन जाएगा, तो इसके ऊपर एक सिलाई चला देंगे, तो इसका दिखने में भी फिनिशिंग अच्छा लगता है। और ये सिलाई तब बैठ भी जाता है। देखिए इसे कोने में आके सुई को पहले इसका अंदर दबा देंगे, दबा के फिर सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ, ये शायद बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन जो लोग नया बना रहे हो उनको ये काम में आएगा, इसीलिए मैं पूरा डिटेल्स में बता रही हूँ। देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, चारों तरफ दाव सिलाई जिसको बोलते हैं वो लगा दी हूँ। देखिए अभी इसका जो मेरा सोफे में जो कुशन था उसका भी नाप का बनाएंगे, सेम प्रोसेस से कुशन का भी नाप लेंगे, लेके हाफ इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। कुशन कवर जो बना रही हूँ ये एनवलप टाइप का होगा, एक ही कपड़े में पूरा इसका कवर बनेगा। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है तो इसीलिए ऐसे बना रही हूँ, और एक ही कपड़े का बना रही हूँ, तो इसीलिए आपके पास अगर टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा है तो पीछे के लिए अलग कट करना पड़ेगा। देखिए मेरा कुशन का जितना नाप है उससे हाफ इंच ज़्यादा रखी हूँ। ये जो कुशन है मेरा 16x16 का है, तो 17 रख रही हूँ, और लंबाई में उसका 34 इंच एंड थोड़ा सा हाफ रखेंगे, तो ऐसे करके इसको कट कर लेंगे। देखिए इसको इतना कट कर लेंगे। इसका पीछे मैं जीप लगाऊंगी, तो इसके लिए जीप के लिए मैं जीप ली हूँ इसके नाप के हिसाब से। पहले जीप को देखिए ऐसे लगा लेंगे एक साइड में,
अभी देखिए पीछे की तरफ ये जिप लगा रही हूँ तो ये जिप दिखाई नहीं देगा। देखिए इस साइड में भी लगा रही हूँ और उस साइड में भी, ये एक ही कपड़े का पूरा कुशन कवर एक ही कपड़े का बनेगा। तो ये एनवलप कवर होता है, इसको बोलते हैं। देखिए ये जो चेन है इसको इस साइड में भी लगा लेंगे। लगा के इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट करके रखी थी, तो ये जो जो ये सिलाई है ये दिखाई ना दे जो चेन है, तो इसके लिए इधर देखिए थोड़ा सा ज़्यादा करके इसको मोड़ूंगी, पूरा ढक जाएगा ये पीछे से। देखिए इसको पूरा कवर करते हुए कपड़े को ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। उल्टे साइड में भी सेम करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रख के एकदम वो जो चेन है उसको ढक के फिर उसको ऊपर सिलाई चलाऊंगी। देखिए दोनों तरफ हो गया। देखिए ऐसे करके लगा दूंगी तो रनर ये दिखाई नहीं देगा। अभी रनर लेंगे, लेके दोनों में मैं डाल दूंगी। पहले इसको लगा के इस साइड से पहले निकाल देंगे, निकाल के फिर उस साइड से फिर रनर को डालेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, नहीं तो एक तरफ में खुला थोड़ा सा रह जाएगा। और देखिए पूरा जो चेन है ये दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके ऊपर फिर से हम लोग प्रेस कर लेंगे तो और भी ये एकदम प्लेन होके बैठ जाएगा। देखिए अभी इसको ऊपर की तरफ, देखिए ऐसे करके थोड़ा ऊपर की तरफ कम रखेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, नहीं तो बाद में हम लोगों को जो कुशन है वो डालने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम रखी हूँ, 5 इंच टाइप का, नीचे के टाइप साइड में ज़्यादा रखी हूँ। ऐसे करके दोनों तरफ सिलाई कर देंगे, करके इसको उल्टा कर लेंगे। देखिए उल्टा कर लियो, इसमें भी सेम वो दाव सिलाई जो है वो दे देंगे। मेरे वीडियो को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो कोई भी मेरे वीडियो को नया देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो लाल कलर का बटन है वो प्रेस कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए ऐसे करके मैं इसको दाव सिलाई दे रही हूँ। देखिए ये जो मैं वीडियो आप तो को दिखा रही हूँ ये बनाने में मुझे 10 से 12 घंटा लगा है, तो मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया है तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो ही दिखा रही हूँ, फास्ट नहीं दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरा रेडी हो गया कुशन कवर। देखिए पूरा ये पीछे की तरफ एकदम ही जो चेन है दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे पास ये दो मसनद टाइप का छोटा सा जो था ये भी सोफे में था, तो इसके लिए भी कवर बनाऊंगी। इसका भी सेम प्रोसेस है, ये लंबाई में इसका नाप लेंगे और गोलाई का भी नाप लेंगे, इसका लेके दोनों तरफ 1/2 इंच करके ज़्यादा रखेंगे। और वो लंबाई में जो नाप ली हो ऊपर की तरफ 1 इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हम लोगों को मोड़ के उसके अंदर धागा डालने के लिए स्पेस रखना है। अभी मेरे पास जो कपड़ा था उसका थोड़ा लंबाई में कपड़ा इस साइड से जो कुशन कवर बनाई थी बच गया था, तो उसी हिसाब से 2 जोड़ लगाऊंगी इसमें। देखिए ऐसे मैं ज़्यादातर करती हूँ, ऐसे करके जो कवर है उसको रख के उसके ऊपर कट कर लेती हूँ, यह मुझे आसान लगता है। अभी देखिए उसका जो नीचे एक गोल टुकड़ा चाहिए, तो उसके लिए भी मैं ऐसे करके 2 पीस ली हूँ, लेके इसका गोल एक हिस्सा कट कर लेंगे। आपको अगर ऐसे नहीं कटना आता है तो फिर पेंसिल के मदद से आप
मार्क करके भी कट कर सकते हो। अभी जो ये गोल टुकड़ा काटी हूँ इसका चारों तरफ का ये मिडिल निकाल लेंगे, चारों तरफ में, चारों तरफ का जो कोने का जो है उसका कट करके कट लगा लेंगे। अभी ये जो दो टुकड़ा है तो इसका भी पहले बीच में ऐसे जोड़ लगा लेंगे, दोनों तरफ पहले जोड़ लेंगे, नहीं तो ये एक कपड़े का ही होता है, तो मेरे पास ये लंबा टुकड़ा बच रहा था तो मैं इसी से काट रही हूँ। एक साइड में पूरा जोड़ दी, एक साइड में ऊपर में थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर जोड़ेंगे। अभी ये जो गैप छोड़ी हूँ इसको देखिए ऐसे फोल्ड कर, देखिए ऊपर से इसको डबल फोल्ड करके सिलाई करके मिडिल में पहले लेके आएंगे। ले आके देखिए इधर सुई को पहले दबा देंगे, दबा के इसको घुमा के फिर ऊपर की तरफ जो है उसको निकाल सिलाई करके आ जाएंगे ऊपर की तरफ। अभी जो ये जो फोल्ड है इसको देखिए ऐसे करके फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके डबल फोल्ड करेंगे करके इसको अंदर की तरफ घुसा देंगे। इसमें धागा डालने के लिए ये बना रही हूँ, जो नाड़ा डालता है लंबा तकिए में वही है। तो अभी इस साइड में जब आएंगे इसको उसके नाप उस साइड का हिसाब से नाप लेंगे, लेके इसको फोल्ड करेंगे। और मुँह के साइड में जब भी हम लोग सिलाई ख़त्म करेंगे थोड़ा दो तीन बार उसको घुमा के फिर करेंगे। अभी देखिए दोनों साइड में जोड़ है तो इसका तो मिडिल निकला हुआ ही है। अभी ये जो जोड़ के भी बीच में जो दो है उस उधर भी एक कट लगा लेंगे, हम लोगों को बाद में पता चले कि इधर तक ही इसको बनाना है इसीलिए। देखिए अभी इसको एक साइड से शुरू करेंगे, जो कट है वो कट के ऊपर कट रख के देखिए शुरू कर रही हूँ करके। वो जो तकिए का कवर है वो थोड़ा बड़ा होता है तो इसको इधर प्लीट्स डालेंगे, अगर जो गो राउंड शेप का है वो छोटा होता है तो ये प्लीट्स ज़्यादा आता है, ये थोड़ा बड़ा राउंड है तो कम प्लीट्स आ रहा है। देखिए फिर उधर में जो कट है उसके कट के हिसाब से मिला के इसको सिलाई कर रही हूँ। देखिए मैं वीडियो को आप लोगों को जो नया बना रही हूँ उनको बिल्कुल समझ में आ जाए इस हिसाब से बना रही हूँ। देखिए अभी ऐसे कुशन अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें मैं लंबा टसल टाइप का बनाऊंगी। टसल के लिए मैं क्या की हूँ, ऐसे जो स्केल होता है स्केल में ऐसे जो ऊन है उनको देखिए उनको ऐसे करके हम लोग, आपको जितना मोटा टसल चाहिए आप उस हिसाब से इसको कवर बनाइए, घुमाइए, घुमा के देखिए मैं इसको एक साइड से कट कर लेंगे। कट करके स्केल से ऐसे इसको निकाल लेंगे, ऐसे निकाल ऐसे करने से क्या है एक नाप का भी होता है और एक साथ में ज़्यादा बन भी जाता है। देखिए अभी दोनों को एक साथ जोड़ के फिर इस साइड में जो बीच में से मिडिल से कट कर लेंगे, लेके ये जो एक टसल इसका बनेगा तो इसका पहले बीच में सेम कलर का ऊन के मदद से इसको सिला बीच में बांध देंगे। फिर इसको कट कर देंगे। देखिए अभी वो दूसरे कलर का ऊन लेंगे, लेके उस थोड़ा सा छोड़ के नीचे एक उधर बांधेंगे इसको, दो चार बार इधर घुमा लेंगे तो दिखने में भी सुंदर लगेगा। दूसरे कलर से बना रही हूँ। फिर उससे और थोड़ा नीचे और एक कलर का और एक बार घुमा के इसको बांध लेंगे। देखिए अभी सुई को लेंगे, लेके ये नीचे के झालर के अंदर से इसको पहले सुई को एकदम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे,
तो ये जो सिलाई जब गांठ वाट गांठ लगेगा तो ये दिखाई नहीं देगा। अभी दो मोती डाल रही हूँ, डाल के इस कोने में एक कोने में इसको देखिए सुई का अंदर के कर ऐसे करके देखिए इसको इधर गांठ लगा लेंगे। एक लगा के सेम मोती के अंदर से जहाँ से सुई को इंसर्ट की थी फिर उसी जगह से इसको निकाल लेंगे। लगा के निकाल के इधर ही एक गांठ लगा लेंगे तो ये और बाहर से थोड़ा सा भी ऊन का जो कटा हुआ हिस्सा होगा वो दिखाई नहीं देगा। और नीचे थोड़ा फिनिशिंग ले आने के लिए जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो उसको कट कर लेंगे तो एक लाइन बराबर में आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए ये मेरा सारे कवर रेडी हो गया। देखिए सारे में मैं ऐसे टसल लगा ली हूँ। ये जो कुशन है इसमें भी लगाई हूँ, इसमें थोड़ा छोटा छोटा करके लगाई हूँ। और ये देखिए पीछे का हिस्सा है, और ये जो लंबा वाला जो मसनन टाइप का बनाई थी उसमें भी जो गोल हिस्सा है उसके बीच में भी एक टसल लगाई हूँ। देखिए मेरा रेडी हो गया। देखिए कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो कोई भी मेरे वीडियो को नया देख रहा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा नया नया आइडिया आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।